दोस्तों नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ और ये विषय है पेंशन। पेंशन इंसान के ज़िंदगी में क्यों आवश्यक है और पेंशन होता क्या है? एक्चुअली इंसान की ज़िंदगी का वो हिस्सा जो 60 एंड एबव का होता है वो एक्टिव लाइफ नहीं रह जाता है। उसके पहले इंसान की लाइफ एक्टिव होती है और अपना बिजनेस व्यवसाय, नौकरी या अन्य किसी भी कार्य से धन का उपार्जन करता है और इस एक्टिव लाइफ में एक्टिव इनकम होती है। तो सामान्यतः इसके नीचे की एज में पेंशन शब्द की उपयोगिता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है और इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है, परंतु 60 के बाद, जैसा कि सरकार ने निर्धारित किया है 60-62 के आसपास प्रायः रिटायरमेंट का एज होता है या किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति है तो उसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, कम हो जाता है, लाइफ एक्टिव नहीं रह जाती है और उसके बाद की ज़िंदगी पैसिव लाइफ में कन्वर्ट होती है। इंसान को ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए पैसे की तो आवश्यकता है और उसका रूप जो हो, सैलरी हो, व्यवसाय का इनकम हो या कोई अन्य इनकम हो, परंतु अधिकांश लोगों के जीवन में 60 के बाद जब लाइफ पैसिव हो जाती है, कुछ करने के लायक नहीं होता है, परंतु पैसे की आवश्यकता तो है, चाहे आप कुछ करें या ना करें, इंसान को सर्वाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। उस स्थिति में बिना कुछ काम किए अगर रेगुलर पैसे आ रहे हैं किसी भी निवेश से तो उसको पेंशन कहा जाता है। और इसी पेंशन पर मैं चर्चा करूंगा। LIC का सबसे चर्चित महत्वपूर्ण प्लान जीवन शांति और जीवन अक्षय दोनों ही पेंशन प्लान हैं। जीवन शांति सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान था, हाल ही में कॉरपोरेशन ने उसमें कुछ चेंजेस किया है। मैं मोटी डिफरेंस बता दूं दोनों में अंतर क्या है। जीवन शांति एक डेफर्ड पेंशन प्लान है, जीवन अक्षय एंड इमीडिएट पेंशन प्लान है। इमीडिएट पेंशन प्लान का मतलब हुआ आपने निवेश किया और अगले महीने से पैसा मिलना शुरू। आप ऑप्शन जो निर्धारित करेंगे, भुगतान का ऑप्शन जो निर्धारित करेंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल, उसके हिसाब से इमीडिएट पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने मंथली ऑप्शन ऑप्ट किया तो 30 दिन के बाद, क्वार्टरली 3 महीने के बाद और हाफ ईयरली 6 महीने के बाद और ईयरली 12 महीने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो गया। दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएट एन्यूटी, इमीडिएट पेंशन। जीवन शांति टोटल डेफर्ड पेंशन प्लान का स्कीम है। डेफर्ड का मतलब होता है विलंबित, कुछ समय के बाद, जैसा आप चाहते हैं। प्लान में डेफरमेंट पीरियड 1 साल से 12 साल का रखा गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आज तो निवेश कर दिया लेकिन मेरे पैसे को मुझे अभी जरूरत नहीं है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल या 12 साल के बाद हमको पैसे की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली आपका फंड का व्यवस्था करेगी कॉरपोरेशन। और उस डेट से जब तक आपने डिफरमेंट का पीरियड चुना उसके बाद से आपका ऑप्शन के अनुसार पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि डेफर्ड पेंशन प्लान में इमीडिएट पेंशन से पैसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप आज ने पैसा लगाया और अगले महीने से पैसा मिलना शुरू हो गया या अगले साल से या अगले 6 महीने से पैसा मिलना शुरू हो गया, तो इस लगाए गए पैसे में उतनी ग्रोथ की राशि नहीं बनेगी
सर्टेनली इनकम कुछ कम होगा। जबकि डिफॉर्मेंट पीरियड में आपने पैसा लगा दिया 12 साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल तक आपका पैसा, 12 साल के पैसा कॉरपोरेशन के पास पड़ा रहा, उसने इन्वेस्ट करके पैसे को मल्टीप्लाई किया, या बोनस ऐड ऑन हुए, किसी भी तरीके से आपका पैसा मल्टीप्लाई करके उसका राशि बढ़ गई। अब उस बढ़े हुए राशि पर जो पेंशन मिलेगा, इंटरेस्ट के रूप में जो मिलेगा, नेचुरली उससे ज़्यादा होगा, सर्टेनली ज़्यादा होगा। तो इसमें डेफर्ड पेंशन और इमीडिएट पेंशन, इमीडिएट पेंशन की किसको जरूरत है? वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 या 60 से ज़्यादा हो चुकी है, उनको इमीडिएट पैसे की जरूरत है। हर व्यक्ति को, व्यक्तिगत हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, कि पूर्ति करने के लिए हर महीने तत्काल प्रभाव से पैसा मिलना चाहिए जो उसकी ज़रूरत है। इसलिए 60 एंड एबव के केस में मेरा सुझाव है कि आप कभी भी जीवन शांति के फेर में न पड़ें, आप जीवन अक्षय को ऑप्ट करें, उसको लें, और आपको पेंशन इमीडिएट मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे व्यक्ति जिसकी उम्र 60 से कम है, 40 है, 35 है, 50 है, वो व्यक्ति जीवन शांति प्लान को ऑप्ट कर सकता है। मैं थोड़ी सी निवेदन करूंगा, आज का वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, आपको मैं बहुत ही क्लियर कट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जानकारी आज के वीडियो में दूंगा, इसलिए कृपया समय निकालें और समय निकाल कर इस वीडियो को वॉच करें। बहुत इम्पॉर्टेंट और क्लियर कट पोजीशन जो कि आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में आज तक नहीं मिला होगा। दो ट्रांसपेरेंट डिफरेंस मैंने बता दिया, कैसे लोगों को जीवन शांति लेना चाहिए, कैसे लोगों को जीवन अक्षय लेना चाहिए। जीवन अक्षय उनकी आवश्यकता है जिनको इमीडिएट प्रभाव से पैसे की जरूरत है। जीवन शांति में वैसे लोग जा सकते हैं जिनको इमीडिएट पैसे की जरूरत नहीं है, निवेश तो कर दिया, हमको 10 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, 10 साल बाद मुझे पेंशन रेगुलर इनकम की जरूरत पड़ेगी, 12 साल बाद पड़ेगी, वैसे लोग ले सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि पेंशन की जरूरत क्यों, पेंशन शब्द जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पेंशन कुछ नहीं, एक सर्टेन निश्चित अंतराल पर एक खास राशि मिलते जाना, एक खास समय में, वो पेंशन सब एन्यूटी या पेंशन जो कह दें, इनकम कह लें, जो भी कह दें, और इसकी आवश्यकता 60 के बाद सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है। तो मैंने क्लियर कर दिया, वैसे इस प्लान में, ये प्लान कि सबसे बड़ी क्रक्स जो है दोनों ही प्लानों की, आप इंट्री करके पहले मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लूं कि एक्चुअली इस प्लान में क्या पैरामीटर है। अगर कोई व्यक्ति जीवन शांति लेना चाहता है, कोई व्यक्ति जीवन अक्षय में जाना चाहता है, जीवन अक्षय में दोनों ही प्लानों में ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर है, कहीं कोई फर्क नहीं है। फर्क मैंने पहले बता दिया कि जीवन अक्षय निवेशित राशि का इमीडिएट लाभ देना शुरू कर देता है, जो जरूरत है इंसान को, आप जिस रूप में लेना चाहें, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअल। और सेम ऑप्शन जीवन शांति में भी है, परंतु वो डिफर्मेंट पीरियड के बाद है, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 12 साल के बाद, उसमें भी वही सारी सुविधाएं हैं, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल जैसे भी चाहें ले सकते हैं। दोनों ही केसेज में मैं एक बात की चर्चा करना चाहूँगा,
कि चाहे प्लान आपने जो भी लिया हो, जब पेंशन की राशि लेते हैं तो मंथली पेंशन या आय या इनकम जो कह लें जो मिलता है वो एनुअल से थोड़ा सा कम होता है। जाहिर सी बात है, मंथली पेमेंट देने का मतलब कॉरपोरेशन या कंपनी आपको साल में 12 टाइम्स हर महीने निश्चित डेट को आपके बैंक के खाते में उतना राशि ट्रांसफ़र कर देती है, एनुअल में मात्र एक बार। तो थोड़ी सा इनकम की फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग ऐसा राय देते हैं कि चूंकि एनुअल पेंशन की राशि या आय की राशि मंथली से ज़्यादा होती है इसलिए उसको ऑप्ट करना चाहिए, पर मैं कहता हूँ क्या पेंशन सालाना इनकम की चीज़ है? पेंशन का बेसिक उद्देश्य आदमी की आवश्यकताओं का, तत्कालिक आवश्यकताओं का, मासिक आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। पेंशन क्या है? कल तक आप सर्विस में थे तो आपको तनख्वाह मिलती थी और उस तनख्वाह से मासिक खर्चे आपके परिवार के सब कुछ चलते थे, उसके जगह पर पेंशन की व्यवस्था हो गई। तो ये मासिक इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी परिवार पेंशन की राशि पर चलता है। क्या हर महीने का खर्च 12 महीने के बाद मिलने वाले इनकम से पूरा होगा? नहीं ना, इनकम तो हर महीने चाहिए क्योंकि खर्च हर महीने है। इसलिए हर हाल में पेंशन मंथली बेटर होता है, इसको आप ध्यान रखें। मेंशन अगर मंथली ऑप्शन चूज करते हैं वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आपको सुविधाजनक होगा। दोनों ही स्थितियों में मैंने जैसे बताया, दोनों ही प्लान में एंट्री के लिए एज मिनिमम एज 30 साल है और जीवन अक्षय में मैक्सिमम इवन 100 ईयर्स तक दिया गया है। कुछ खास ऑप्शंस के लिए बाकी में 85 साल है और जीवन शांति में भी वही 30, अपर 80 है। तो मतलब कि एज का जो गैप है वो सफिशिएंट है। कोई भी व्यक्ति 60, 62, 65, 58 कोई भी व्यक्ति इस प्लान में जा सकता है। एक बात मैं पुनः बताऊं कि पेंशन एक्चुअली क्या 30 वर्ष की उम्र में की चीज़ है? क्या 30 वर्ष के व्यक्ति को पेंशन चाहिए? क्या 35-40 वर्ष के व्यक्ति को पेंशन चाहिए? क्या नहीं ना, वो जिंदगी को उपार्जन करने का वक्त होता है, एक्टिव लाइफ गुजारने का होता है, धन अर्जन करने का वक्त होता है, वो पेंशन का एज नहीं है। इसलिए पेंशन का समुचित समय 60 एंड अबव है और उसके लिए समुचित प्लान जीवन अच्छा है। जीवन शांति में वैसे लोग जाएं जिनके पास एकमुश्त, चूँकि इस दोनों ही प्लानों में एकमुश्त पैसे जमा होते हैं, एज 30 से 80 के बीच में हो, और कोई विशेष क्राइटेरिया इसमें नहीं है। एज ऑफ एंट्री अपर एज या लोअर एज के बीच में है, एक मुश्त पैसे देने हैं, ऑप्शन ऑप्ट कीजिए, दैट्स वर्क इज ओवर। तो इस प्लान में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आप पेंशन पेमेंट का ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं। पेंशन प्लान का ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं? एन्युटी लेने के लिए ऑप्शन, जीवन शांति हो या जीवन अच्छा हो, दोनों में ही एन्युटी के 10 ऑप्शन दिए गए हैं, ए से जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे।
आप इसको बहुत गौर से सुनेंगे। एफ और जे, यही दो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, याद रखेंगे और इसको बार बार रिपीट करके आप देख लेंगे। एफ और जे दो ही ऑप्शन है जो कि बेस्ट हैं, बाकी ऑप्शन को नहीं देखना है। अगर आप सिंगल लाइफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों ही प्लानों में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप जीवन शांति लेते हैं, तो अकाउंट जो खोलेंगे आप सिंगल लाइफ में खोलेंगे या डबल में, तो दोनों ही में सिंगल खोलने की व्यवस्था है और डबल अकाउंट खोलने के, मतलब जॉइंट अकाउंट खोलने की व्यवस्था है, चाहे वो जीवन शांति हो या जीवन लक्ष्य हो। ज्वाइंट का मतलब आप अगर अकाउंट खोल रहे हैं सेकंड में, आप किसी भी व्यक्ति को रख सकते हैं, अपने मिसेज को, बच्चे को, पेरेंट्स को, भाई बहन को, बेटा बेटी को, किसी को भी सेकंड अकाउंट होल्डर रख सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स ज्वाइंट अकाउंट। वो चाहे जीवन शांति हो या जीवन अच्छा हो। अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं, जैसे आपने अपने नाम से अकाउंट खोल लिया, सर्टेनली दोनों ही अकाउंट में नॉमिनेशन की सुविधा है। आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं उसमें भी किसी को नॉमिनेशन देना होगा, ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तब भी किसी को नॉमिनेशन देना होगा। फर्क कहाँ है? सर्वाइवल लाइफ की श्रेणी में, जैसा कि मैंने बताया कि जीवन अक्षय में पैसा मिलने के सर्वाइवल बेनिफिट है, वो यही है कि आपने पैसा लगाया और इनकम मिलना शुरू हो गया इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ एन्यूटी, दिस इज द सर्वाइवल बेनिफिट। और जीवन शांति में सर्वाइवल बेनिफिट ये है कि आफ्टर डेफर्मेंट पीरियड आपने जो प्लान मोड ऑप्ट किया है कि किस रूप में हमको पैसा का भुगतान किया जाए, उस मोड में वहाँ से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। दीज आर दी सर्वाइवल बेनिफिट। बट इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी, अगर डेथ हो जाती है, उस केस में, डेथ बेनिफिट के केस में, आपका ऑप्शन सबसे बड़ा हथियार साबित होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको लाभ दिला सके। अब आप समझ लें, दोनों ही केसेज में, सिंगल लाइफ में आप जे ऑप्शन और एफ ऑप्शन, सिंगल लाइफ में एफ ऑप्शन, ए बी सी डी ई एफ, छठा ऑप्शन जो एफ ऑप्शन अब करते हैं, उसमें लिखा रहता है ए बी सी डी ई एफ जी करके, उसमें ऑप्शन का नाम दिया हुआ है। एफ को हमेशा सिंगल लाइफ के केस में ऑप्ट करें और जे को हमेशा ज्वाइंट अकाउंट के केस में ऑप्ट करें। फर्क मैं बता दूं क्या है। एफ के केस में जब आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं, आपने सिंगल अकाउंट खोला अपने नाम से और उसमें आपने नॉमिनी का नाम दे दिया, आप जिंदगी भर पेंशन के हकदार हैं, पेंशन फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर परचेज प्राइस पेड टू द नॉमिनी। मैंने क्या बताया, पेंशन फॉर लाइफ एंड परचेज प्राइस पेड टू द नॉमिनी, ये दोनों ही केसेज में, जीवन शांति एंड जीवन लक्ष्य, जिंदगी भर आपको पैसे मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ यूनिटी, आप नहीं रहेगा टोटल पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी वो परचेज प्राइस है, दैट विल बी रिटर्न टू द नॉमिनी को, टोटल पैसे वापस हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ, पेंशन विल बी पेड टू यू फॉर होल लाइफ, पेंशन विल बी पेड टू यू फॉर होल लाइफ, आइदर ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर ए और बी, दो व्यक्ति है वो एक और दो, एक की डेथ हो जाती है
तो दूसरे को जिंदगी भर, देन ही विल गेट पेंशन फॉर होल लाइफ, और दूसरे की डेथ हो जाती है तो फर्स्ट विल गेट देयर आफ्टर। पहले तो एक को ही पेंशन मिल रही है, ज्वाइंट अकाउंट के केस में किसी एक को पेंशन जिंदगी भर मिल रही है, इफ ही विल नो मोर, सेकंड अकाउंट होल्डर विल गेट पेंशन फॉर होल लाइफ, जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगी। तो दूसरी पीढ़ी हो गई, जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगा, एंड देयर आफ्टर भेन ही और सी विल नो मोर, अगर वो दोनों में से वो दूसरा भी नहीं रहा, लास्ट सर्वाइवर, देन नॉमिनी विल गेट टोटल परचेज प्राइस। तो तीसरी पीढ़ी को चला गया, इसलिए इस प्लान में मैंने एक शब्द लिखा है, एक बार निवेश तीन पीढ़ियों का लाभ, एक बार निवेश और तीन पीढ़ियों का लाभ। फर्स्ट अकाउंट होल्डर विल गेट पेंशन फॉर होल लाइफ, देयर आफ्टर ही और सी विल नो मोर, देन सेकंड अकाउंट होल्डर विल गेट पेंशन फॉर होल लाइफ, एंड इफ एंड सी ही और सी इज इवन नो मोर, देन हीज और हर इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल अमाउंट विल बी रिटर्न टू दी नॉमिनी। तो ये इस प्लान की बहुत ही बड़ी विशेषता है। आप कहें इसमें सबसे बड़ी बात यही है, ऑप्शन का चुनाव, ऑप्शन के गलत चुनाव से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान में रखें। और वीडियो कुछ लंबा हो गया, इसके लिए कृपया आप समय निकाल कर देखें, दो बार में देकर पॉज करके दो बार देखें और इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें। मैंने अपने तरफ से ऑलमोस्ट टोटल चीज़ों का इसमें जिक्र किया है, बावजूद अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि कमी रह गई तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं थोड़ी सी बात और चर्चा कर दूं कि जीवन शांति में पैसे मिलने के कारण मैंने बता दिया क्यों ज़्यादा मिलेगा, देश हिंदुस्तान या विदेशों में जो आज भी बैंक रेट है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं। हिंदुस्तान में आज भी बैंक रेट विश्व के प्राय सभी देशों से ज़्यादा बेहतर है, यहाँ किसी समय में 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस टाइप के 5 और 6 के बीच में है। मैं बता दूं कि विश्व के लगभग 27 देशों में 1% से कम इंटरेस्ट आज है। उन कंट्रीज में कुछ है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहाँ 0.1%, 0.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 1 से 4% का इंटरेस्ट रखने वाले कुछ देशों का नाम बता दूं, यूनाइटेड अरब इमिरात, यूएई, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया। तो निश्चित रूप से जीवन शांति में लगाया गया पैसा अगले तीन पीढ़ियों के लिए बहुत ही बेहतर है। आप इसमें जीवन अच्छा में लगाया गया पैसा भी तीन पीढ़ियों के लिए काम आएगा, बशर्ते आपने ऑप्शन ज्वाइंट अकाउंट खोला है और ऑप्शन एफ लिया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कृपया इस लंबी वीडियो के लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, मैं नया यूट्यूबर हूँ और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जानकारी दें, उनको बताएं, ताकि इस बेहतरीन चीज़ की जानकारी उनको मिल सके और जीवन में आवश्यकता पड़ने पर सही निर्णय ले सके। धन्यवाद। मैं आगे भी आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ उपलब्ध कराऊंगा, कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें।